इधर देखो, बातें हो गई। अब आज हमारा चालू हो रहा क्या, टेंस में पास्ट कंटिन्यू। जो हमने कल छोड़ा था उसी के आगे हम आज कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का कल हमने कंप्लीट किया था क्या, निगेटिव सेंटेंस। आज क्या चलेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। तो पास्ट कंटिन्यूअस के प्रश्नवाचक वाक्यों की ट्रांसलेशन हम किस प्रकार करते हैं, उसके जो नियम है, आओ पहले उस नियम को समझते हैं, फिर ट्रांसलेशन करने की विधि देखते हैं। तो चलिए नियम लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट। इंस्टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की, इंस्टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी बताइए आप लोग, कि अगर इंट्रोगेटिव वाक्यों में सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी गलत, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी, बोलो, सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आई एन जी का प्रयोग करते हैं। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद होता है इसका क्या एग्जाम्पल, इसके हम ट्रांसलेशन करने के तरीकों से। अब वाक्य देखिए, नियम समझिए, एक बार आ जाओ इधर आ जाओ, फिर वाक्य अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक खाली वाक्य समझ लो, ट्रांसलेशन करने की भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। परिभाषा एक बार और देखते हैं, कहता है इंस्टेंस के, ये हमारा वाक्य कैसा वाक्य पहले बताओ, प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं। नियम क्या कहता है, इंस्टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर आए, वाक्य में सबसे पहले। नियम देखना, अगर सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आया है, क्या प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया तो उसकी अंग्रेजी काहे की, अंग्रेजी काम खत्म, नहीं लिखी जाएगी तो काम क्या कर देंगे, हटा देंगे, खत्म कर दिया। और फिर कहता है उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार, अगर एक वचन कर्ता सहायक क्रिया, बहुवचन कर्ता सहायक क्रिया, वेयर का प्रयोग कहां पर होगा, कर्ता से पहले, कर्ता से पहले, और फिर कर्ता के बाद में क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसका ये ट्रांसलेशन किया जाए, वाक्य हमारा था क्या, अंधा आदमी सड़क पर खड़ा था, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, रहा था, रही थी, रहते कौन टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। था थी आ जाएगा तो पास्ट, है हो हुआ आ जाएगा तो प्रेजेंट, था की आ जाएगा तो, यस गुड। अब
हमको सहायक क्रिया लगानी वाज्य अव्यय फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस काहे के कारण लगती है सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है अंधात्मी एक है कि भविष्य एक तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगा देंगे वाज गुड तुम्हारा हो गया वाज कर दिया अब वाज के बाद क्या लिखे सब्जेक्ट क्या है अंधात्मी तो वाज द ब्लाइंड सब्जेक्ट मिल गया यहां से एक एक चीज ढूंढ लो भैया कतई कहीं कुछ देखना ही नहीं अपने आप वाक हमारा गलत नहीं होगा सही हो जाएगा है ना वाज द ब्लाइंड मैन अब उसके बाद कर्ता के बाद क्या ढूंढे क्या है क्या है हरा का है माने स्टैंड STANDING स्टैंड में क्या लगा दे स्टैंडिंग खड़ा है कहां पर खड़ा है सड़क पर तो क्या हो जाएगा ऑन द अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया हैं कम आया कि पूरा आ गया कम आया एक और हो जाए चलो एक और कर लो हमने लिखा क्या सपेरा क्या सपेरा जंगल में सांपों को पकड़ रहा था वाक क्या है क्या सपेरा जंगल में सांपों को पकड़ रहा अब यहां पर देखो सबसे पहले तो समाचार सब कहां पर आया है कहां पर आया है उसकी अंग्रेजी काहे के अंग्रेजी नहीं लिखेंगे इसका काम खत्म हो गया अब ट्रांसलेशन करने के लिए फार्मूला के हिसाब से बताओ सबसे पहले क्या ढूंढा जाए क्या ढूंढा जाए हेल्पिंग बहुत सही हेल्पिंग वर्ब काहे के अनुसार लगता है सब्जेक्ट क्या है सपेरा एक है कि बहुत से हेल्पिंग वर्ब बाज लगाएं कि वेयर अनिवार्य है ना कोई दिक्कत नहीं पे तो हमने लगा दिया क्या वाज क्या लगा दिया हेल्पिंग वर्ब वाज अब सब्जेक्ट हमारा क्या मिला है गुड स्नेक चार्मर स्पेलिंग SNAKE स्नेक चार्मर की CHARME स्नेक चार्मर वाज स्नेक चार्मर सब्जेक्ट मिल गया अब क्या ढूंढे वर्ब काम कौन सा हो रहा है पकड़ने का काहे माने कैच काहे माने CATCH और कैच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें तो क्या हो जाएगा स्नेक चार्मर कैचिंग पकड़ रहा था ऑब्जेक्ट क्या पकड़ रहा था सांपों को कैचिंग द स्नेक्स अब अदर वर्ड कहां पकड़ रहा था जंगल में तो क्या हो जाएगा इन द फॉरेस्ट अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया आए कम आया अभी भी क्यों जमाई आ रही है नींद आ रही है समझ में आया कि नहीं आया बताओ एक वाक्य और दे दे देखो वाक्य है कि क्या वे अपने घरों को सजा रहे थे यहां पर आ जाओ इसको भी देख लो वाक्य है कि क्या वे अपने अपने घरों को सजा रहे थे अब यहां पर बताइए कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है प्रश्नवाचक शब्द क्या नियम है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी काम खत्म एक एक स्टेप फॉलो करो अपने आप क्लियर हो जाएगा ठीक है ना तुम्हारा आ रहा कि नहीं आ रहा अब फार्मूला पे आ जाओ सबसे पहले क्या लगाए हम वाज या वेयर काहे के अकॉर्डिंग लगेगा सब्जेक्ट तुम बताओ क्या है भांग ना का खा के बैठा करो एकदम दिमाग यहीं पर रहे कर्ता क्या है वे अब वे एक वचन है सिंगुलर है कि प्लूरल तुम बताओ हैं बहुवचन सहायक क्रिया वेयर
तुम्हारा हो गया वेयर, एक चीज मिल गया, और दोनों मत लगा देना भैया साथ में, आज लगा दो वेयर लगा दो, काम खत्म हो जाएगा, एक लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट उसने बताया हमारा क्या है, दे, वेयर दे। उसके बाद अब क्या ढूंढा जाए, काम काम कौन सा हो रहा है? हाँ जी, सजाने का है माने डेकोरेट, DECORATE, और डेकोरेट में क्या लगेगा, घर जाएगा। वेयर दे डेकोरेटिंग है ना, क्या वे सजा रहे थे, आप जो क्या सजा रहे थे हैं, अपने घरों को, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर हाउसेज, देयर हाउसेज, वेयर दे डेकोरेटिंग देयर हाउसेज, देयर हुआ और यहां क्या, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले नियम पर। अब देखिए इसके इसी टेंस का रूल नंबर टू, इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए उसके बाद एग्जाम्पल किए जाए। क्या कहता है, इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए, वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया से भी पहले लिख देंगे, और शेष कार्य उपरोक्त नियम की तरह होगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगा काहे के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार हम लगाएंगे क्या, सहायक क्रिया। सिर्फ इतना ही करना, सहायक क्रिया से पहले हमको क्या लगा देना, क्वेश्चन वर्ड। अब हमारे पास वाक्य आ गया, कौन सा वाक्य, वह कमरे में चुपचाप क्यों बैठी, ऊपर देख के बोलो है गर्मी है, दिमाग नहीं काम कर रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो है गर्मी तो है ना, और गर्मी है नहीं, भीषण गर्मी है, नहीं गर्मी इस तरह की गर्मी में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो प्रशंसा की बधाई की पात्र है, एक पढ़ने का जी करता है 1% नहीं। तो आइए अच्छा यहां पर देखते हैं, अब देखो इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो नियम एकदम दिमाग में नियम याद किए रहो, बैठा ले रहो कि जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए, वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है यहां पर, क्यों, कहां पे लिखा है, वाक्य के बीच में, कहीं पर लिखा, शुरुआत में नहीं लिखा, उसके बाद कहीं पर लिखा, तो बीच में मान लिया जाता है, ठीक। तो अब काहे माने क्यों, ट्रांसलेशन करें तो फार्मूला ये आ गया, क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन वर्ड का क्या है, क्यों काहे माने बताओ, वाई लगा दिया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या ढूंढे, क्या ढूंढे, हेल्पिंग वर्ड, अब हेल्पिंग वर्ड काहे के अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस बात में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, एक वचन है ना, तो एक वचन का तो सहायक के क्या लगा देंगे, वाज, चूंकि सी हमारा तो हो जाएगा वाई वाज, सहायक क्रिया लग गई ना वाज। उसके बाद अब क्या ढूंढे, सब्जेक्ट क्या है, काहे मींस वाई वाज सी, सी हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढे, वर्ब, काम, काम कौन सा हो रहा, बैठना, काहे माने सिट, SIT, सिट माने होता बैठना, और सिट में अब देखो फार्मूले के हिसाब से क्रिया में क्या लगा दे, जब सिट में ING लगाएंगे तो टी क्या क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो SIT, सिटिंग, बैठी हुई है, ऑब्जेक्ट कैसे बैठी हुई है, चुपचाप। अब जब क्रिया की विशेषता जब कोई बताए तो बनता है हमारा एडवर्ब, बनता है क्या, बनता है एडवर्ब, एडवर्ब बनता कैसे है, LY लगाने से, कैसे बनता है, LY लगाने से, तो वाई वाज सी सिटिंग, और कैसे बैठी, चुपचाप, तो क्वाइटली कहा मैंने, चुपचाप, QUIETLY, क्वाइटली, और कहां पे बैठी हुई, अदरवर्ड कहां बैठी है, कमरे में, तो इन द रूम। अब बताओ क्लियर हुआ, आए कम क्लियर हुआ, अगला वाक्य देख लो, आप कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, इसको देखो भैया, वाक्य है हमारा कि आप कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, बेटा ब्लैक बोर्ड,
बोर्ड की तरफ देखो, है ना, आप कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा है, है कौन सी का है, मैंने कौन सी बोलो, विच। तो कंपनी में लिखा हुआ है ना, कंपनी में, तो में के लिए क्या लग जाएगा, इन, तो हो जाएगा इन विच। और इन शब्दों के साथ हमारा क्या लग जाता है, नाउन भी साथ में लिख दिया जाता है, तुम्हारा हो जाएगा इन विच कंपनी, इन विच कंपनी, इतना क्लियर हुआ। इन विच कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, अगर ये सब लिखे हुए हैं तो इसके साथ जो रिलेटेड नाउन होता है उसको भी साथ में लिख दिया जाता है। किसकी पुस्तक, तो हूज बुक, आ गया कि नहीं। तो यहां पर कौन सी कंपनी, तो कौन सी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, और उसके साथ जो नाउन लिखा उस नाउन को भी हम साथ में सबसे पहले लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, तुम्हारा हो गया इन विच कंपनी, ये क्वेश्चन वर्ड मिल गया। अब वाज या वेयर लगाएंगे काहे के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आप, काहे माने यू, यू मीन्स तुम भी होता, यू मीन्स आप भी होता। अब यू सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इन विच कंपनी वेयर क्या हो जाएगा, वेयर, सब्जेक्ट मिल गया यू। अब काम, सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढे, काम, काम कौन सा हो रहा है, नौकरी करना, काहे माने नौकरी करना, मतलब सर्विस मीन होता नौकरी, लेकिन सर्विसिंग मत कर देना। कहता इन विच कंपनी वेयर यू डूइंग, ना डूइंग जॉब, डूइंग जॉब, डूइंग जॉब मीन्स होता है क्या, नौकरी करना, जॉब मीन्स नौकरी और डू माने करना, ये हो जाएगा। सर्विसिंग मत कर देना, कि सर्विसिंग कर दो, ठीक है ना, कि सर्विस वाली नौकरी, सर्विसिंग वाली नौकरी कर रहा, गलत हो जाएगा। हमारा बन गया इन विच कंपनी वेयर यू डूइंग, क्लियर हुआ, कम आया कि एकदम आ गया, बताओ बोल, एक और, अच्छा चलो भाई एक और समझ लो। अगला वाक्य देखिए, हमने लिखा कल यहां कौन कौन खड़े थे, इसको आके देखो, बहुत बढ़िया वाक्य आ गया। कौन सा वाक्य है, कल यहां कौन कौन खड़े। अब यहां पे पहले बताओ प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, हैं, कौन कौन। और एक चीज फिर ध्यान दो, अगर कौन एक बार रहेगा तो सहायक क्रिया एक वचन की लगेगी, वाज लगेगी, या जिस भी टेंस में हो एक वचन की लगेगी। अगर कौन दो बार लिख दिया हो कौन कौन, या तीन बार लिख दिया हो कौन कौन कौन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या वचन की हो जाएगी, क्लियर हुआ। अब जब वाक्य में कौन शब्द लिखा होता है तो ऐसे वाक्यों में कर्ता नहीं ढूंढा जाता, ध्यान रखना। और बीच में है ना कौन, तो काहे माने कौन, हु, हमने लिख दिया हु, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब उसके बाद हम लगाएंगे सहायक क्रिया वाज या वेयर। अब बताओ कि हु यहां पर चूंकि दो बार लिखा हुआ है तो दो बार यहां पे हु नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन एक वचन का माना जाए कि बहुवचन का, तो सहायक क्रिया हम वाज लगा दे कि वेयर, वेयर, तो हो जाएगा हु वेयर। अब कर्ता लिखा नहीं जाएगा क्योंकि हु खुद कर्ता का काम कर रहा, ठीक है। अब काम ढूंढ लो, काम कौन सा हो रहा है, काहे माने स्टैंड, एस टी ए एन डी, स्टैंड में क्या लगा दे, तो हु वेयर स्टैंडिंग, ऑब्जेक्ट कहां पर खड़े हैं, यहां पर, तो काहे माने हियर, एच ई आर ई, हो जाएगा हु वेयर स्टैंडिंग हियर। अच्छा कल अभी बाकी बचा हुआ है, तो हु वेयर स्टैंडिंग हियर कब, कल, ये काहे माने कल, यस्टरडे, वाई ई एस टी ई आर डी ए। अब पास्ट टेंस में एक चीज और जान जाओ, पास्ट टेंस में जब कल आएगा तो कल के लिए क्या लगाते हैं, यस्टरडे, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में कल के लिए, हाँ ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहां पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस पूरा अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, क्या समाप्त होता है। अगर फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग
जो ऑफलाइन है वो क्वेरी कर सकते हैं डायरेक्ट, और जो ऑनलाइन है वो कमेंट के माध्यम से क्वेरी आप भेज दीजिए, और जहां पर कोई दिक्कत हो वो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। यहीं पर ये क्लास आज की होती है क्या समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टेंस, मतलब नए टेंस का नया वाक्य लेकर, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।